हेलो दोस्तों, क्लास विद एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन से कैसे पीईटी के एग्जाम फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको अपना ब्राउजर ओपन कर लेना और आपको यहाँ पर टाइप करना पीईवी, जो कि एमपीएफएम की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा ऑनलाइन फॉर्म का, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। लेफ्ट साइड में आपको एक और ऑप्शन दिखेगा ऑनलाइन फॉर्म का, आपको इस पर भी क्लिक करना है। अब आपको स्लाइड करके नीचे आना, नीचे आपको सेकंड नंबर का ऑप्शन दिखेगा प्री एग्रीकल्चर टेस्ट का, ठीक है। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, आपको दिखेगा पीडीएफ फाइल को, दिखेगा आपको ग्रीन कलर का आइकॉन, तो आपको स्क्रीन कलर के आइकॉन पर क्लिक करना है अप्लाई करने के लिए। यहाँ पर दोस्तों आपके सामने पेज खुलेगा, आप देख पा रहे होंगे पीईटी हेतु 2020 हेतु आवेदन के लिए पेज खुल जाएगा। यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में एक चेकबॉक्स दिखाई देगा, इस चेकबॉक्स पर आपको सिंपली क्लिक करना है और नीचे आना। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर आगे बढ़े का ऑप्शन दिखेगा, इस आगे बढ़े का ऑप्शन पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ पर दोस्तों आपके सामने जो होम पेज खुलेगा, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पीईटी 2020 लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको दो चीज़ फिल करनी है, एक आपको सामान्य पंजीकरण क्रमांक, ठीक है, और एक आपको करना है यहाँ पर जन्म तारीख, ठीक है, जन्म तारीख आपको फिल करनी है। इसके दोस्तों आपको यहाँ पर लास्ट में फाइनली एक कैप्चा फिल करने के लिए ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पर आपको कैप्चा डिफरेंट हो सकता है, आप उसे फिल कर लीजिए। फिल करने के दोस्तों आपको नीचे आना और नीचे आपको यहाँ पे सत्यापित कर आगे बढ़ा पर क्लिक कर लेना है। दोस्तों यहाँ पर आपके पर्सनल डिटेल्स वगैरह ओपन हो जाएगी, आपको स्लाइड करके सबसे नीचे आना है। यहाँ पर 29 नंबर पर आप देख पा रहे होंगे आपको यहाँ पे दसवीं की अंक सूची के हिसाब से आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम और सरनेम फिल करना है। ऐसे कि आपको यहाँ पर फर्स्ट नेम फिल करना है, यहाँ पर आपको आपका सरनेम फिल करना है। इसके दोस्तों आपको नीचे आना, नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे फादर्स नेम या फिर हस्बैंड नेम फिल करना पड़ेगा। इसके दोस्तों आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपके फॉर्म में ऑटोमेटिकल डेट ऑफ बर्थ को ले लेगा, ठीक है। इसके दोस्तों आपको यहाँ पे सिंपली आगे बढ़े पे क्लिक कर देना है। अब आपको दोस्तों एक बार फिर से सबसे नीचे स्लाइड करके आना है और दोस्तों यहाँ पर आपको 30 नंबर पर आपको देखने को मिल जाएगा कि आपको यहाँ पर कुछ चीज़ सेलेक्ट करनी पड़ेगी। जैसे कि 30 नंबर पर दे के रखा आपको वर्ग यानी क्लास, तो आपका जो भी वर्ग जैसे स्वतंत्रता सेनानी, फ्रीडम फाइटर या फिर सैनिक या फिर कृषक या बिना वर्ग, तो जो भी हो आपको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं बिना वर्ग सेलेक्ट कर लेता हूं। इसके बाद यहां पर आपसे पूछेगा कि आप निःशक्तजन हैं यानी हैंडीकैप हैं या नहीं, तो यहां पर ऑटोमेटिकली वो ले लेगा आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछेगा 32 नंबर, क्या आप जम्मू एवं कश्मीर के विद्यार्थी होने के कारण बीएससी हेतु प्रधानमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ हाँ या ना नहीं कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल मैं यहाँ पर नहीं पे क्लिक करता हूँ। 33 नंबर पर आपसे पूछेगा क्या आप नियम क्रमांक 1.8 के अनुसार प्रवेश हेतु सारी योग्यता रखते हैं, तो यहाँ पर आपको सिंपल यहाँ पर क्लिक करना है। 34 नंबर पर आपसे पूछेगा कि आप 1.8.1.1 के अनुसार प्रवेश हेतु स्वास्थ्य अर्थता रखते हैं, तो आपको यहाँ पर हाँ पे क्लिक करना है, यानी कि आप फिजिकल फिट हैं या नहीं, तो आपको हाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। और 35 नंबर दोस्तों आपसे पूछेगा कि आपके पास एनसीसी का बीएससी सर्टिफिकेट है या नहीं, तो यदि आपके पास है तो हाँ, यदि नहीं तो नहीं पे आप क्लिक कर सकते हैं। मैं नहीं पे क्लिक करता हूँ। फिर 36 नंबर दोस्तों आपसे पूछेगा कि आप 10+2 प्रणाली में 45% उत्तीर्ण हैं, तो आपको यहाँ पर हाँ पे क्लिक करना होगा। और दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे आप देख पाएंगे 38 नंबर पर आपको कुछ ऑप्शन या ग्रुप दिखाई देंगे जो कि अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से होंगे, यानी कि ठीक है। जैसे कि सबसे पहला जो यहाँ पर देख रखा है आपका है बीटेक होगा आपका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ठीक है। बीएससी होगी ऑनर्स से एग्रीकल्चर से, उसके बाद आपका बीएससी ऑनर्स होगा हॉर्टिकल्चर से, बीएससी ऑनर्स होगा आपका फॉरेस्ट्री से, और उसके बाद बीएससी एग्रीकल्चर, ठीक है। इसमें आपको तीन सब्जेक्ट आएंगे जो कि आपको मैथमेटिक्स ग्रुप्स का होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, ठीक है। ये आपका ग्रुप ए हो गया। फिर आपको ग्रुप दो देखने को मिला, ग्रुप दो में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और जीव विज्ञान यानी बायो ग्रुप वाला के लिए आपको बी ग्रुप सेलेक्ट करना पड़ेगा अगर आप एग्रीकल्चर से हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर फर्स्ट और सेकंड प्लस थ्री है तो आपको ग्रुप सी सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा फिर आपको ग्रुप डी में आपको एग्रीकल्चर यदि सिंगल सब्जेक्ट हो तो आपको ग्रुप डी सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर सिर्फ एक सब्जेक्ट आपका एग्रीकल्चर का है, और ग्रुप ई में दोस्तों आपको ये भी आपका एग्रीकल्चर के लिए ही है, ठीक है। तो आप इसमें एग्रीकल्चर है लेकिन जीव विज्ञान है, ठीक है। ऊपर वाले में आपका क्या था, केमिस्ट्री फिजिक्स था, केमिस्ट्री था, एग्रीकल्चर था, इस वाले में आपका बायो है, केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर है। तो जो भी आपके सब्जेक्ट के ग्रुप हो आप उसके अकॉर्डिंग इन ग्रुप्स में सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे मैथमेटिक्स ग्रुप्स यानी ग्रुप ए को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आपको नीचे आना, नीचे आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पूछेगा 39 नंबर पर कि क्या आप पेमेंट शीट पर प्रवेश हेतु इच्छुक हैं, यानी कि आप पेमेंट शीट पर प्रवेश लेना चाहते हैं एडमिशन, हाँ या नहीं, तो आपको हाँ या नहीं पे क्लिक करना। मैं यहाँ नहीं पे क्लिक करता हूँ।
फर्स्ट आपको 14 नंबर पूछेगा आपसे एग्जाम सेंटर, ठीक है, यानी कि आप कहाँ पर एग्जाम देना चाहते हो, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सागर, सतना, उज्जैन, तो जो भी आप चाहें सेलेक्ट कर सकते हैं जहाँ पर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं। फर्स्ट तो आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में एक चेकबॉक्स देखने को मिलेगा, आपको सिंपल इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है और आपको यहाँ पर आगे बढ़े पर क्लिक करना है दोस्तों। इसका आपको सिंपली प्रिंटआउट ले लेना, और प्रिंटआउट लेने के दोस्तों आपके यहाँ पर पेमेंट जमा कर लेना, ठीक है। आप जैसे फीस जमा करेंगे तो आपको एक और प्रिंटआउट प्राप्त होगा, उस प्रिंटआउट को आप डाउनलोड कर लीजिए, आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को पसंद आई वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।